पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। स्कूली दिनों में इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई के दौरान आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का ये उदाहरण खूब दोहराया होगा। अब मैं आपको एक नए टेंस के बारे में बताऊंगा जहां चोर नहीं सिस्टम भागता है, वो भी लोगों को जिंदा जलाता हुआ छोड़, जलता हुआ छोड़कर। ये टेंस ना तो पास्ट है और ना ही परफेक्ट, क्योंकि ये हमारे देश के सड़े हुए और संवेदनहीन सिस्टम का एक ऐसा प्रेजेंट है, यानी वर्तमान है, जिसमें आम जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। और इसका सबसे सटीक उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की ये तस्वीर है, जहां आग लगते ही सिस्टम सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। और इसलिए आज हम सिस्टम के इस दाह संस्कार का वीडियो विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कानपुर के रूरा में अतिक्रमण हटाने के नाम पर इस सिस्टम ने ऐसी गुंडई दिखाई जिसे देखकर बड़े बड़े गुंडे भी शर्मा जाएं। वहां पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे साजो सामान के साथ गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंची थी। ये अवैध कब्जा गाँव के बाहर बनी एक फूस की छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक परिवार पिछले कई वर्षों से रह रहा था। झोपड़ी देखते ही अधिकारियों की बाहें फड़क उठी और एसडीएम महादेव ने बिना देर लगाए बुलडोजर चलाने का फरमान जारी कर दिया। बुलडोजर को बढ़ता देख परिवार दहशत में आ गया, लेकिन जब बेरहम सिस्टम के सामने आशियाना बचाने का कोई और तरीका नहीं सूझा तो 44 वर्ष की प्रमिला और उनकी 21 वर्ष की बेटी नेहा ने खुद को अपनी झोपड़ी के अंदर बंद कर लिया। उन्हें यह गलत फहमी हो गई कि सिस्टम उनकी मजबूरियों की ना सही, उनकी जान की परवाह तो कर ही लेगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम सिर्फ उन्हीं की फिक्र करता है जो उसकी मुट्ठी गर्म कर सकते हैं, और हंगामे के दौरान झोपड़ी में आग लग जाती है। लेकिन अधिकारी महोदय का दिल नहीं पसीजता और बुलडोजर जलती हुई झोपड़ी को बेरहमी से के साथ ढहा देता है। अंदर मौजूद मां बेटी को इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वो बाहर निकल सके, दोनों वहीं जिंदा जल जाते हैं। इस दौरान एसडीएम अपनी पूरी टीम के साथ तमाशा देखते रहते हैं और जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि बात बिगड़ चुकी है तो वहां से भाग निकलते हैं। ये तस्वीरें बताती है कि सरकारें भले ही जन कल्याण के लाख दावे कर ले,
लेकिन उन दावों को धरातल पर उतारने वाले सिस्टम की नजरों में जनता की कोई हैसियत नहीं है। वो मर भी जाएं तो उनकी बला से। अब भला कोई इन अधिकारियों से पूछे कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चला देना, उनके घर को ही उनकी चिता बना देना, उसका हक उन्हें कौन सा कानून देता है? ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर कानून सिस्टम की मनमर्जी से माने और मनवाए जाते हैं। यहाँ पे SGM लेखपाल कानून को और SHO रूरा और उनके साथ पुलिस बल, वैसे 12-15 लोग पुलिस के होंगे, कुछ महिला कांस्टेबल होंगी थी, और गांव के 10-12 दबंग जो लोग थे, अशोक, अनिल और मतलब अभी ये विशाल और मनीष और गिंदन, ठीक है, और निर्मल, ब्रजेश, ये सारे लोग आके इसमें आग लगा देते हैं और JCB से दबा देते हैं हमें वहीं पे। तो उसमें मैं और मेरे पापा निकल आए, और मेरी बहन और वो जो मम्मी थी वो नहीं निकल पाई, तो हम लोग उनको निकालने की कोशिश करें, लेकिन लेखपाल और पुलिस बल सारा वहाँ से भाग गया छोड़ के, और गाड़ी भी छोड़ के भाग गए वो लोग JCB से। यहाँ मतलब उन्होंने प्री प्लान मर्डर किया हमें, बिल्कुल पूरे मारने की कोशिश की गई है लेखपाल और SGM के द्वारा, जो भी गांव के दबंग लोगों के द्वारा की गई। हालांकि जैसा कि अक्सर होता है, दो जाने अब जा चुकी थी, और उसके बाद अधिकारियों की संवेदना जाग उठी, और पीड़ित परिवार को दिलासे के साथ साथ गांव की तरफ से VIP मूवमेंट भी अब वहां पर लगातार शुरू हो गया। देखिए, इसमें जो है परिवार के तहरीर पे मुकदमा दायर कर दी गई है और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी गई है, और जो भी इसमें दोषी है तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे प्रोसेस हो जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है, और आगे जो विधिक कार्रवाई होनी है वो होगी नियमानुसार। उसी तरह से SDM को भी जो है नेग्लिजेंसी में जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया शासन द्वारा, और उनके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई आगे होनी है वो होगी। आरोप लग रहा है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने आग लगा दी, पुलिस की मौजूदगी में आगजनी की गई, इस तरीके का काफ़ी गंभीर आरोप है। देखिए, वो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सभी तरह की जो डिजिटल हमारे पास एविडेंस है वो, उसके अलावा जो चश्मदीद गवाह हैं वो, इन सभी का परीक्षण किया जाएगा, और बिल्कुल एक तथ्यात्मक रूप से जो एविडेंस है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। जो नामजद आरोपी हैं वो फरार हैं, उनके घरों में ताला लगा हुआ है, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है? उसके लिए पुलिस अधीक्षक ने और IG साहब के पर्यवेक्षण में टीम्स बनाई गई हैं, जो लगातार इसमें दबिश दे रही हैं, और इसमें शीघ्र ही इसमें कार्रवाई भी होगी। एक परिवार उजड़ने के बाद भले ही आज आला अधिकारी न्याय और इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब ये परिवार अपने घर को बचाने के लिए DM के पास गुहार लगाने पहुंचा था तो ना सिर्फ इनको भगा दिया गया बल्कि उल्टा इन्हें धमकाया भी गया। और ये हमारे आरोप नहीं है, ये खुद प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला कह रही है। देखिए, जब एक महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे, और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी, और ये कहा था, DM को फोन करके बोला था कि आप DM के पास चले जाओ, तो DM ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूट लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा, और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते, लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि DM ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। प्रतिभा शुक्ला सरकार का हिस्सा है, लेकिन वो खुद सिस्टम से कितनी त्रस्त हैं, इसकी एक झलक आपको उनके इस बयान से मिल भी गया होगा। घटना बहुत दुखद है, और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा विकार है, तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते दबित हो जाएगा, पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा।
प्रतिभा शुक्ला इसी इलाके से विधायक हैं और ऐसे में उनकी पीड़ा ही नहीं उनकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। लेकिन सिस्टम के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें भले ही अस्थाई हों सिस्टम अजर अमर है आत्मा की तरह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सिस्टम को जो लोग चलाते हैं उनकी आत्मा कब की मर चुकी है इसलिए उसे ना तो किसी की पीड़ा से फर्क पड़ता है और ना ही किसी की मौत से, फिर चाहे वो जिले का डीएम हो या फिर लेखपाल। बेचारे मकान भी बना लिया था केवल छत पड़नी थी जो है और लेखपाल जो है पीछे पड़ गया। एक दिन लेखपाल हड़काया तो ये लड़के मेरे पास गए, मैंने लेखपाल को समझाया कि ये गरीब को क्यों सता रहे हो जो है और नजरअंदाज कर दिया जो है किसी दूसरी पार्टी से दाम पैसे लेकर वो उतावला हो गया इनके पीछे पड़ गया। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ सरकार जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। फिलहाल एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है जबकि मौके पर मौजूद लेखपाल और जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद सरकार मान रही है कि इस बार सिर्फ सस्पेंड करने से बात नहीं बनेगी, इस बार जरूरत कड़ी कार्रवाई की है। घटना बहुत ही दुखद है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, दोषी अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, एसडीएम हो या पुलिस ऑफिसर हो सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आपने एफआईआर भी दर्ज करवा दिया, जांच भी एफआईआर भी दर्ज होगी, जेल भी जाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी अत्याचार करेगा चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे प्रशासनिक अफसर हो हम सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कानपुर मामला हमने गंभीरता के साथ लिया है।